हमारे साथ इसकी हमारी दो गाड़ी मिली आई है, जैसे सूचना मिली हमारी पहले छोटी गाड़ी और फिर दूसरी बड़ी गाड़ी आग काफ़ी ज़्यादा थी इसलिए दूसरी गाड़ी भी आई हमारी और आग फिलहाल काबू पा लिया है और जो ये ग्रीन वैल्यू कैफे था उसे हमने बचा लिया है मतलब आग लगने से। क्या मानते हैं काफ़ी बड़े एरिया में आग लगी है, क्या कारण मान रहे हैं आग के? सर ये तो कह नहीं सकता सर, ये क्या किस वजह से लगी होगी फिलहाल जांच कर रहे हैं। जी कितनी आपकी पूरी टीम आ रखी है? सर पूरी टीम आ रखी है हमारी, पूरी दो क्रू आ रखी है, दो क्रू। आग पे आपके काबू पा लिया? आग काबू पा लिया है, एक टीम अभी नीचे गई है, बड़ी बात के साथ में नीचे गई है। खेत के पास कहीं आग दिखाई दे रही है तो हम लोग मसूरी थे, तुरंत यहाँ पहुँचे और साथ ही साथ यहाँ पर फायर की टीम भी पहुँच गई थी और बाकी सारे लोग टीम हमारी आग बुझाने में लगी हुई है। काफ़ी हद तक हमने इसको कंट्रोल भी कर लिया है और ये प्राइवेट फॉरेस्ट है और ये लोगों के यहाँ निजी खेत हैं तो किसी ने शायद खेतों में आग लगाई और वो आग जो है ऊपर जंगल में आ गई, तो आग को लगभग कंट्रोल कर लिया गया है और अभी भी हमारे आदमी आग बुझाने पे लगे हुए हैं जो कि कुछ ही देर में लगभग पूर्ण रूप से ही कंट्रोल में हो जाएगा। अगर इस प्रकार अगर हमें कोई मिलता है या जान से पता लगता है कि किसी व्यक्ति ने आग लगाई, जानबूझकर लगाई है, तो उसके विरुद्ध निश्चित कार्रवाई की जाए। लोग अलर्ट मोड पे हैं और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सारे लोग, हमारी टीम तुरंत मौके पे पहुंच गई थी और फायर की टीम भी साथ में यहां पर साथ साथ हमारे साथ पूरा सहयोग कर रही है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर खड़ी हैं, तो हम लोग पूर्ण रूप से मतलब लगभग कितना एरिया अफेक्ट हुआ है सर इसे? इसमें लगभग एक हेक्टर के करीबन है लेकिन वो चट्टानी एरिया है, इसीलिए जो है इसमें थोड़ा समय लग गया है, नहीं तो ये बहुत जल्दी हम इसे कवर कर लेते हैं।